नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वंडरिंग योगी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे नाभि खिसक जाने के लिए हमें कौन से आसन करने चाहिए या कौन सी वो क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से नाभि जो है अपनी जगह पे आ सकती है। दोस्तों, नाभि खिसकना आजकल के समय में एक आम समस्या बन गई है। कई बार हम सडनली कुछ वेट उठाते हैं तो उस वजह से ऐसा होता है, कई बार हमारा खान पान ठीक नहीं होता है उस वजह से भी यह समस्या आती है। तो नाभि ठीक हो, पाचन हमारा ठीक रहे, खाना में ठीक से पचे, उसके लिए हमें कौन से आसन करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। दोनों पैरों को खोलते हुए पीठ के बल लेट जाएं, फिर धीरे से दोनों पैरों को फोल्ड करें और बाएं पैर को उठाते हुए सामने की तरफ किक करें। 5 बार पैर को झटके से आगे की तरफ लेकर के जाएं। इसी प्रकार फिर दूसरा पैर, बाएं पैर को आगे से झटका देते हुए आगे की तरफ लेकर के जाएं। 5 बार, 5-5 बार दोनों पैरों से ऐसा करें। उसके बाद धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर दें। अगला अभ्यास उत्तान पादासन का करेंगे। दोनों हथेलियां कमर के निचले भाग में रख दें और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों पैर एक साथ 30 डिग्री के कोण पर उठा दें और वहीं रुकें। पंजे बिल्कुल बाहर की दिशा में हों। गहरा लंबा श्वास लें। 10 सेकंड तक शुरुआत में यहाँ रुकें। धीरे से पैरों को वापस ले आएं, हथेलियाँ बाहर निकाल दें, गहरी लंबी श्वास लें। इसी में अगला अभ्यास अर्ध हलासन का करेंगे। दोनों हथेलियाँ जमीन पर रखते हुए धीरे धीरे दोनों पैर एक साथ उठाएं। कमर का निचला भाग जमीन पर हो, दोनों पैर 90 डिग्री के कोण पर रखें और वहाँ पर रखें। अर्ध हलासन का यह अभ्यास है। धीमा गहरा लंबा श्वास लेते रहें। शुरुआत में 10 सेकंड रोकें, धीरे धीरे पैरों को वापस जमीन पर ले आएं, विश्राम करें। अगला अभ्यास धनुरासन का करेंगे। धीरे से पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए आगे की तरफ लेके आएं। हथेलियों से एंकल जॉइंट पकड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए छाती वाले हिस्से को ऊपर उठाएं, कोहनियाँ सीधी रहें और थाइस को ऊपर उठा दें। कुछ देर वहाँ रुकें, गहरा लंबा श्वास लें, छोड़ें। पैर और छाती दोनों इसमें ऊपर रहते हैं। धीरे से वापस जाएं, गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। अब अंत में सीधा लेटकर, पीठ के बल लेटकर गहरे लंबे श्वास लें। पेट को बाहर लेकर के आएं श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए अंदर लेकर के जाएं। कम से कम 10 से 15 मिनट श्वास का अभ्यास करें। तो दोस्तों, आपने देखा यह सभी सरल आसनों के माध्यम से हमारी जो नाभि है, जो कई बार दाईं तरफ या बाईं तरफ सज जाती है, उसको ठीक किया जा सकता है। और इन सभी आसनों को करने से आपके जो खाने का जो पाचन है वो भी बहुत अच्छी प्रकार से होने लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो मेरे से चाहते हैं, हम उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।